नहीं नहीं मैंने कॉमेडी शुरू करी थी एक तो वही हमें पता है, नहीं था लाइफ में करना क्या है किसी को नहीं पता होता क्या निकल क्या, क्या करना है बड़े हो गई है दामाद होता तेरे सारे काम वही वाले हैं कि दारू नहीं पीनी ये नहीं करना वो नहीं करना तो तू बिल्कुल वैसे वाला सही है तेरा Uh, सवाल क्या था भाई मैं, गुण नहीं, गुण। नहीं, मैं सवाल ही नहीं नहीं मैं सवाल ये था कि मतलब परिवार में ज़्यादा चलती नहीं थी इसलिए बाहर कॉमेडी नहीं 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 भाई मेरा वही हम जैसे बहुत सारे लोग दोस्तों के बीच में फ़नी होते हैं तो हम फनी थे दोस्तों के बीच में और फिर कॉलेज के बाद में उस टाइम पे एआईबी आई रोस्ट आया था दो हजार ग्यारह नहीं पंद्रह चौदह चौदह में कॉलेज में था हाँ, और तो हम तो सब दिखाते दिखाते तो आया था भाई ये देख तू ये क्या आया और हम देख थे कि ऐसे बोल सकते हैं क्या हाँ, तो पहली बार हमने कॉमेडी देखी फिर जाकिर की उस टाइम की बात है ये चेंज कॉमेडी डू पहले इंग्लिश कॉमेडी का डोमिनियन था भाई तो आपको पता है इंडिया में जब कॉमेडी शुरू हुई थी तो हिंदी वॉज डिस्करेज

वेंटो डेली रोटी सब्जी हाँ डेली रोटी सब्जी बनना बहुत ही कुछ क्रेजी कर दिया तो ट्यूशन के बाद मोमोज खा लिए <laughs> और क्या कर रहे थे हम लोग वहां पे <laughs> तो वो सब चल रहा था हमारा तो वाइल्डनेस नहीं है मतलब बिल्कुल नहीं है भाई वाइल्डनेस के बिल्कुल ऑपोजिट तो है खराब है जो काम है उल्टा एग्जाम में से हां तो मेरा जो मैनेजर है वो यही बोलता है कि यू आर द मोस्ट अनआर्टिस्टिक आर्टिस्ट आई नो वाह भाई क्या मैनेजर <laughs> है भाई आदमी की धज्जे बनाता है तो हाँ मतलब मैंने ऐसा जो भी तुम्हारे दिमाग में होगा कि ऐसे ऐसे करते होंगे मैं वैसे नहीं करता हूँ नहीं बट आई बिलीव इट मैंने तो एक कोर्ट पढ़ा था गुस्सा फ्लॉब का कोर्ट है किसका कोर्ट है कि बी कैन बी वायलेंट एंड ओरिजिनल इन योर वर्क हंड्रेड भाई मतलब तुमने इतनी साधारण बातें बताई है मेरे को आई जो कोक कोक करके जो जेडी जुड़ी बिल्कुल वो आर्टिस्टिक लाइफ बैठ के कि मैं दुनिया पर राज करूंगा शायद किसी को हेल्प करता हो लेकिन मुझे तो लगता है बकवास है ये बस बहाने हैं फालतू के मतलब एट द एंड ऑफ द डे चाहे तुम कुछ भी काम कर रहे हो यू हैव टू वर्क वो तो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा यू हैव टू बी रिलायबल तो वो सारी चीज आपको करनी पड़ेंगी

लेकिन कमेडियंस की टोली के अंदर एक ऐसी चीज नहीं होगी कि अब सभी आत्मज्ञान से बात कर रहे हैं सभी की सभी फन्ने खाएं सभी की सभी नार्सिसिस्ट हैं उसके अंदर अपनी बात के पीछे कॉन्फिडेंस रखना कि मेरी बात सही है और उस पर हंसी भी आएगी यार सबका यू अलग है मतलब कि ना तुम और मैं एग्जैक्ट सेम के बारे में बात करेंगे एग्जैक्ट सेम कि तुझे जोक लिखना अबाउट दिस टेबल एंड दिस चेयर हम दोनों सेम जोक लिख दे तो मुझे बता देना बिकॉज हम दोनों की लाइफ बहुत अलग रही है तो मैं लिख रहा हूँ अपने उनतीस साल के एक्सपीरियंस से तू अपने जो भी छब्बीस अताईस जितने भी साल के एक्सपीरियंस से लिख रहा है पर दोनों की लाइफ बहुत अलग है ना तो मेरा इस पर जो कहना है तुम्हारे हिसाब से एवरेज हो सकती है मैं बोलता हूँ बहुत ही फाड़ है भाई ये तो थैंक्स यार था। <laughs> <laughs> नहीं बोल सकता हूँ बोला मैंने न हाँ। <laughs> <laughs> तो, तो हम दोनों सेम जोक नहीं लिखे कभी भी तो सबका यू अलग है काफी क्रेजी इसके अंदर जैसे ये कॉमेडी के पीछे की बाहर के माने की लगता है। हाँ। लगता है पहला ऐसा आया है जो इतना डार्क जाता है हाँ। फिर हीरो भी बनता है लोगों का मैसेज भी छोड़ता है मतलब सारे बॉक्स टिक 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 और अव्वल दर्जे का नशेड़ी अब मजा नहीं आता मेरे को पता नहीं सुनने में यार मेरे को अब मतलब जो भी बहुत ज्यादा ज्ञान देने लगता है ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है फिर

मतलब एज अ मेंबर ऑफ अ कास्ट और रिलीजन आप बोल के दिखाओ जोक्स नहीं एज अ मेंबर एज मेंबर तो करते हैं लोग एज अ लोग कर रहे हैं लोग